पहले तो मेरा नाम बादशाह खान है और मैं कुणाल तिवारी जी को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा कि उनकी 5 फिल्में शुरू हो रही एक साथ, और इससे अच्छा मौका और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ पे बुलाने का इससे बेहतर नहीं मिल सकता। और मैं सारे भोजपुरी के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और कुणाल तिवारी जी को बहुत बहुत मुबारक। फिल्म के डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी है, कुछ कहना चाहेंगे? संतोष मिश्रा जी की और मेरी पहचान बहुत पुरानी है। मैंने उनके साथ फिल्म शुरू किया था पटना से पाकिस्तान, और पाकिस्तान आप गए थे शूट करने के लिए? अच्छा, पाकिस्तान तो नहीं गए थे लेकिन पाकिस्तान क्रिएट ज़रूर किए थे। और क्या कहना चाहेंगे? आपकी कितनी अभी तक भोजपुरी फिल्म हो चुकी है? वो तो काउंटिंग मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन रवि किशन जी के साथ 10 साल काम किया एज ए मैनेजर, और एज ए डिज़ाइनर मेरे ख्याल से अभी 210 या 212 फिल्में हो चुकी हैं, अभी कुछ और बाकी है। भोजपुरी में लगभग किस किस स्टार का साथ वर्क किए, जरा नाम बताएं स्टारों का। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एक्टर बचा है जिनके साथ मैंने अभी तक काम नहीं किया, जैसे रवि किशन जी है, मनोज तिवारी जी है, कुणाल जी है, केसारी जी, पवन जी, दिनेश जी, मतलब सारे लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, ऐसा कोई एक्टर बचा नहीं है। कुछ नाम मिस हो रहे हो तो मुझे माफ़ कर देना। मसाज रहने वाला कहाँ गया और पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? मैं रहने वाला तो बॉम्बे का हूँ, और मेरी शुरुआत बहुत सारी हिंदी फिल्मों से हुई, जैसे गुलामी से, गुलामी, सौतन, हिंदी का करियर बहुत अच्छा था। उसके बाद भोजपुरी शुरू की मैंने रवि जी के साथ, पंडित जी बताए ने बिया कब हुई, और फिर लगातार सारे चलता रहा। उस वक्त आपकी बिया हो गया था? हाँ, उस टाइम पे तो हो चुका था, मैं बालिग हो चुका था। एज अ ड्रेस डिज़ाइनर मैं सारी हीरोइनों के साथ काम कर रहा हूँ, काजल जी है, अक्षरा जी है, अम्रपाली जी है, संगीता तिवारी जी है, दिव्या द्विवेदी जी है, मतलब ऐसी कोई बची नहीं है जिनके साथ, ऐसी कोई हीरोइन नहीं रह गई जिनके साथ नहीं किया हूँ। बहुत सारे, हर किसी के साथ किया हूँ, क्योंकि एक फिल्म के अंदर सभी लोग रहते हैं, और जहाँ आपने इतनी सारी फिल्में किए हैं तो 100% सारी हीरोइनों के साथ काम आपका बनता है, और सभी के साथ अच्छा भी लगता है। क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो मैं कोशिश करता हूँ कि वही करूँ। संतोष मिश्रा जी के फिल्म का कभी आपने काम किया है? संतोष मिश्रा जी के साथ मैंने फिल्म की है पटना टू पाकिस्तान, उसके बाद किया था उनके साथ मुकामा 0 किलोमीटर, उसके बाद मौका नहीं मिला क्योंकि या तो फिल्में नहीं देते नहीं नहीं ऐसे दर्शकों से कुछ कह रहा था कि इतना खूबसूरत आप डिजाइन करते हैं गाने में। नहीं, वो मेरी मैं कोशिश करता हूँ कि गानों को बहुत सजाऊं, क्योंकि गाने एक ऐसी चीज़ है जो फिल्म चले या ना चले गाने ज़रूर चलते हैं, और वो गानों का प्लस पॉइंट ये होता है कि वो ज़िंदगी भर कभी भी पुराने नहीं होते, और फिल्में लोग पूरी देखते नहीं लेकिन गाने लगातार चलते रहते हैं। जैसे आप देखते हो अपना 15 मिलियन हो गए, 25 मिलियन हो गए, तो ज़्यादा करके 15 मिलियन आपको या 25 मिलियन या 30 मिलियन या 40 मिलियन जो भी बोलते हैं वो फिल्मों के तो बहुत कम फिल्मों के होते हैं, लेकिन गानों के अक्सर आप देखते हो कि हर फिल्म का कोई ना कोई गाना 20-25 मिलियन होता ही है, तो वो ज़िंदगी भर की ट्रेजर है जो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, चाहे हम रहे या ना रहे, आप रहे ना रहे, लेकिन गाने चलते रहेंगे, चाहे वो हिंदी ओल्ड मेलेडी हो या भोजपुरी के पुराने अच्छे गाने हो, वो 25-50 साल के बाद भी लोग, बच्चे जो नेक्स्ट जनरेशन आता है वो भी देखता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि गानों में थोड़ा सा ध्यान दूँ, बाकी फिल्में भी ज़रूर देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। आपका नाम? संतोष मिश्रा। संतोष जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमने 5 फिल्मों का मुहूर्त किया, और सबसे अच्छा है कि धीरेन्द्र झा जी और कुणाल तिवारी जो हमारे एक्टर हैं, और दियाबाती का पोस्टर भी लॉन्च हुआ, और हम लोग गाने वगैरह भी देखे तो बहुत अच्छा एडिट होने के बाद आया है, और धीरेन्द्र झा जी और कुणाल जी जो मिल के भोजपुरी के अंदर जो सामाजिक परिवेश वाली फिल्मों को जो लेके आ रहे हैं वो बहुत अच्छा प्रयास है। और कल ही हम लोग बैठे थे, मुहूर्त का जब चर्चा हो रहा था और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पे डिस्कस हुआ, तो मुझे खुद ही अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा आप लोग ही सवाल करते हैं कि भोजपुरी में बल्गर है, ये है, वो है, लेकिन
अभी जो नया जनरेशन आ रहा है, और इवन कुणाल नहीं बाकी और भी बहुत लोग हैं जो सोशल फिल्मों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जो भी फिल्मों का मुहूर्त हुआ है तो अच्छे से कोशिश करेंगे कि वैसे ही बनाए जैसे इन्होंने दिया बाती या इसके पहले और भी जो फिल्में करके आए हैं, तो उसी ढंग से बढ़िया किया जाएगा। पांच फिल्मों के नाम क्या क्या है, हाँ एक तो है शिवाय, दूसरा है अपने बेगाने, तीसरा है बाबुल की दुआएं, और एक मराठी फिल्म है एक लव्य। अच्छा कौन सा? एक नागार्जुन। नागार्जुन नागार्जुन ना, अपने बेगाने। अब बताया आपने बेगा नहीं, सभी को आप ही डायरेक्ट कर रहे हैं अलग अलग? नहीं, अब जैसे एक लब को निगम जी कर रहे हैं, और बाबुल की दुआएं, अपने बेगाने, शिवाय शिवाय वो मैं कर रहा हूँ, और नागार्जुन धीरेन्द्र झा जी कर रहे हैं ना। और सबसे अच्छा कि धीरेन्द्र झा जी से मैं शूटिंग में मिला था, और प्रोड्यूसर के होना नाते इतने क्रिएटिव हैं, और ये फिल्म मेकिंग का कोर्स भी कर चुके हैं, तो अगर प्रोड्यूसर आपका क्रिएटिव है तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं फिल्म मेकिंग में, है ना। तो एक फिल्म अपना धीरेन्द्र झा जी डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको पहले भी कर चुके हैं वो कौन सी फिल्म थी? काबिल की है, गुंडे टू। हाँ, काबिल और गुंडे टू, जो बहुत बेहतर तरीके से नैहर की चुनरी बना चुके हैं, नैहर की चुनरी जिसका मैं ट्रेलर प्रोमो देखा हूँ, और एज ए डायरेक्टर एज ए राइटर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छा है कि सोशल मुद्दे के ऊपर जो लोग काम हो रहा है वो भोजपुरी के लिए बहुत ही अच्छा है। सर आपकी जो फिल्में हैं, एक लाइन में अगर तो हम आपसे पूरी नहीं जाना चाहेंगे, एक लाइन में किस तरह की फिल्में हैं जो एक फिल्म का अगर बात करें? पारिवारिक संस्कारों पे आधारित है कि आज जो हम जो पहले समूह परिवार का हुआ करता था, आज वो टूटता जा रहा है। और बचपन में जो हम लोग देखे हैं कि संस्कारों में आदमी अगर बंधा हुआ होता है, जो हमारी संस्कृति है छूटती चली जा रही है, जैसे साउथ वगैरह की फिल्म देखेंगे या अगर मराठी सिनेमा देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को ना टच किए होते हैं, और हम लोग वो चीज़ ना छोड़ते चले गए थे जो हमारा मूलभूत चीज़ है। तो कहीं ना कहीं नया जनरेशन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जिसके पहले भी राइटिंग में बहुत सारी फिल्में मेरी हैं कमर्शियली, है ना, एज ए डायरेक्टर बहुत सारे, लेकिन हम लोग वो मुद्दा नहीं उठा पाए थे क्योंकि थिएटर में सिनेमा चलता था, हम लोग ऑडियंस का एक मन में रखना पड़ता था कमर्शियल चीज़ें ही देनी है, तो अचानक हटते नहीं थे। लेकिन अभी जो काम हो रहा है और ख़ासकर डिजिटल होने से, तो बहुत ही सामाजिक तौर पे और संस्कृति को लेकर जो काम हो रहा है बहुत ही बेहतर हो रहा है। संतोष जी, हमने भी इनको लॉन्च किया था कुणाल तिवारी जी को, उस वक्त से लेकर अभी तक कितना चेंजिंग आया है, और उसके बाद भी कई फिल्में किया इन्होंने, अभी लास्ट मूवी आपने किया इनके साथ शूट। हाँ, सबसे अच्छा चीज़ क्या है कुणाल के अंदर ना, एक जिद है, वो मुझे ना मजनू मोटरवाला जब वो कर रहे थे, और जब कुणाल मुझसे मिलने आए थे कि भैया ना कि मुझे लेके फिल्म बनाइए आप, है ना, उस वक्त भी इस आदमी के पास जो जुनून था, जिस हिसाब से फिल्म बना के रिलीज करना अपने बूते पे, है ना, और आज जब मैं देख रहा हूँ तो एक्टिंग से लेकर हर चीज़ में काफ़ी प्रोग्रेस है और बहुत ही बेहतर करते जा रहे हैं, और मेरे छोटे भाई हैं, इस पर से प्रार्थना करूँगा कि और बेहतर करते जाएं। और सबसे अच्छा बात क्या है कि ईगो नहीं है, तो होता है कि आदमी जब थोड़ा सफल होता है तो सबसे पहले ईगो उसको घेर लेता है, और कुणाल के अंदर बिल्कुल नहीं है, मैं चाहूँगा कि आगे हो भी नहीं और बेहतर काम करते रहें। सर, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, अगर पिछले 5 साल की बात करें तो भोजपुरी में काफ़ी बदलाव आया है, लोग एक साथ बैठ के फिल्में नहीं देखते थे, लेकिन पिछले 5-6 साल की बात करें पारिवारिक फिल्में बन रही है, टाइटल भी डबल मीनिंग टाइटल होते थे पहले, वो सब बंद हो चुका है जी। आज जो आपकी फिल्में हैं सब पारिवारिक, लाइक बागवान जैसे स्टोरी टाइप कह सकते हैं, फैमिली ड्रामा है, तो कितना बदलाव है आज की स्टोरी को लेकर, आप कितना ध्यान रखते हैं कि? देखिए, काफ़ी कुछ 5 साल पहले क्या था कि थिएटर का दौर था सिनेमा हॉल का, और सिनेमा हॉल में 60% जो ऑडियंस आती थी वो सिर्फ सीटी ताली वाली, है ना, क्या तो कमर्शियल सिनेमा डबल मीनिंग, है ना, और जोश दिलाने वाली फिल्में, है ना। हाँ, तो 5 साल पहले जब थिएटर के लिए हम फिल्में बनाते थे तो हमारी जो ऑडियंस है 60%, तो भी सिनेमा हॉल में देखेंगे 3 क्लास होता है, एक आगे फिर स्पेशल फिर बालकनी, तो बालकनी की ऑडियंस थोड़ी समझदार, आगे वाले हम सिटी ताली वाले हम कमर्शियल, और 40% ऑडियंस उस सिनेमा हॉल में नहीं आती थी, डिजिटल होने के माध्यम से वो भी हमारे साथ जुड़ गया, तो बालकनी का 40% और ये 80% पे ना सोशल फिल्में अभी राज करें, किचन में भी फिल्में देखी जाती हैं, मतलब घर में देखी जाती हैं, और जो आगे की जो 20% ऑडियंस है जो हिट का तगमा वही लगाती हैं, तो वो भी अगर आपका टोटलिटी में अच्छी फिल्म है, क्योंकि जितनी हिट फिल्में भोजपुरी के अंदर आप देखेंगे साफ सुथरी और
मैसेज वाली फिल्में हिट हुई हैं, कोई भी ऐसा डबल मीनिंग या बेकार टाइप का, क्योंकि ऑडियंस को ये जजमेंट है कि सिनेमा क्या है, वो बनाना नहीं जानते पर उनको पता है कि सिनेमा ये होता है, वो पहले अमिताभ बच्चन साहब का हो या निरहुआ को या कुणाल तिवारी जी का होगा ना, तो ये ध्यान में रख के, तो पहले थिएटर था, अभी थिएटर एकदम डाउन हो चुका है, डिजिटल या मोबाइल से लेकर टी वी पर आना है और सोशल चीज़ें ही चलेंगी और सब लोग उस पर काम कर रहे हैं बहुत बेहतर, तो उस वक्त जो चीज़ें करने में लोग डरते थे आज धड़ल्ले से कर रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आएगा। कुणाल जी के साथ कौन सी फिल्में हैं जिसमें कुणाल जी नजर आएंगे? मेरे ख्याल से तो दिया बात हम लोग कम्प्लीट किए और तीनों फिल्मों का जो नाम लिया अपने पे गाने, बाबुल की दुआएं अपने पे गाने में कुणाल जी होंगे और रवि किशन सर होंगे, और बाबुल की दुआएं में सोलो कुणाल जी होंगे और शिवाय में सोलो कुणाल जी होंगे। कुणाल जी क्या कहना चाहिए, रवि किशन सांसद बनने के साथ आपके साथ पहली मूवी है? नहीं पहले नहीं और आखिरी सबसे पहली फिल्म होगी मेरी उनके साथ, और एक्चुअली मैं खुद चाहता हूँ, मुझे लगता है कि हमेशा एक्शन का रिएक्शन होता है, अगर आप अच्छा, आपको लगता है कि आप अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले का भी अच्छा काम करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो बहुत ही फाइन एक्टर हैं, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं उनके साथ काम करूँगा या स्क्रीन जो है शेयर करूँगा। नहीं चैलेंजिंग सिर्फ एक्टिंग करने का होता है, परफॉर्मेंस का होता है, किसी के साथ काम करने का नहीं होता मेरे हिसाब से, ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है। आपकी कौन सी ऐसी मूवी, पहली मूवी कौन सी थी आपकी? मेरी सबसे पहली मूवी मजनू मोटर वाला थी, और भैया ने ही डायरेक्ट किया था और राइटिंग सब कुछ इन्हीं का था। कितना एक्सपोजर मिला आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में आपको? मैं जब वो फिल्म मेरी आने वाली थी तब तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ह्यूज था उसका, लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक होता है कि जब हम फिल्म थिएट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है उसको कामयाब करने में, तो शायद वहाँ पे हम लोग चूक गए थे, लेकिन फिर भी वो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड था उस फिल्म से। कोई ड्रीम रोल है आपका कि वो करना है संतोष जी से कि और कभी आपने कि ये रोल मुझे करना है? अभी तो यकीन मानिए अभी जो दिया बाती जो है तो मुझे लगता है कि हम एज एन एक्टर हमें लगता है ये भी कर ले वो भी करे, हम इंस्पायर होते हैं, हम किसी को देखते हैं फिल्म में देखते हैं या किताबों में पढ़ते हैं तो हम उस चीज़ से इंस्पायर होते हैं, तो उसी में से एक था दिया बाती था, तो मैं चाहता था कुछ ऐसा कैरेक्टर हो जिसमें परफॉर्मेंस करने का मौका मिले, क्योंकि सिर्फ डायलॉग्स बोलना मुझे मैं पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं होता, मुझे लगता है कुछ डिफरेंट होना चाहिए ताकि परफॉर्म करने का मौका मिले, तो उसमें से एक था दिया और बाती, और फिर अभी बाबुल की दुआएं हैं, ये सारे फिल्म अब ऑफकोर्स संतोष भैया लिखेंगे कहानी। संतोष भैया कितना कंफर्ट हो गए इस बार सिनेमा करने में? पहला सिनेमा तो आपका भी मैं कंफर्ट जो उनका ऐसा है कि अब बहुत लोग जो जुड़े हुए उनको पता है, जो नहीं जुड़े ऐसा है कि मैं साल डेढ़ साल संतोष भैया के साथ 24 आवर्स रहा हूँ, तो एक कहीं ना कहीं एक फैमिली वाला है, और कितना बड़ा नाम है, बड़ा डायरेक्टर है प्रियंका चोपड़ा जी की फिल्म। हाँ मैं वही हाँ बिल्कुल आपने अभी वही मैं बोला था, आपने इंटरप्ट कर दिया, जब मेरी पहली फिल्म बन रही थी मजनू मोटर वाला तब भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने सो कॉल्ड बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे वो भैया को हमेशा मना करते थे कि तुम इनके साथ काम करते हो, हाँ तुम बोलोगे कोई आ जाएगा, क्या ज़रूरत है नए लड़के के साथ फिल्म बनाने की, लेकिन तो भी भैया ने बनाया, और कहीं ना कहीं मैं एक लाइन में बोलूँगा कि मैं इस कदर फैमिली में घुसा हुआ हूँ इनके या क्लोज़ हूँ कि जब अभी क्या है कि भैया का स्क्रिप्ट डायरेक्शन तो दूर की बात है कि स्क्रिप्ट भी जल्दी लोगों को नहीं मिलता है, भाभी हैं अगर भैया टाइम पे कहाँ निकल रहे हैं मुझे बोल देती थी कि भैया आज ही नहीं तो भाग जाएंगे, आके स्क्रिप्ट ले लीजिए, तो मैं इस कदर जुड़ा हुआ हूँ फैमिली में, तो वो वैसा है मेरा कम्फर्ट जोन एज एन एक्टर या डायरेक्टर वाला नहीं है, फैमिली जैसा। ये आखिरी सवाल कि आपके रोल के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे एक दो लाइन में? कौन से जो फिल्में आ रही हैं इसमें किस तरह किरदार आपका? अभी दिया बाती में एक बहुत ही अभी जैसे आपने गाना एक देखा, एक पूरा फैमिली ड्रामा है, एक सर्टेन टाइम के बाद एक कुछ हादसा होता है और लड़का एबनॉर्मल हो जाता है, फिजिकली डिसेबल हो जाता है, और एक सोशल मैसेज भी है कि अगर आपकी शादी किसी से होती है, अगर दो फैमिली अगर लड़की पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाती है, हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाल विवाह भी दिखाया भी है, नहीं भी दिखाया सिनेमा में, तो अगर आपकी शादी हो जाती है तो जो पुराने समय में आज का नहीं 70s के टाइम में होता था कि लोगों के दिमाग में कि हाँ भाई आपकी किसी से शादी तय हो गई, जब लड़का किसी लड़की को देखते भी नहीं थे,
अचानक शादी होती थी, शादी के बाद जब लड़की घर आती तब पता चलता था घूंघट उठाने के बाद, अच्छा ये लड़की है। तब के टाइम की हमने सिनेमा बनाई है जब फोटोज भी नहीं होते थे कुछ। आपकी पूरी 2.25 घंटे की फिल्म में कहीं एक वायर, बल्ब, सड़के वैसे कुछ नहीं दिखेंगे। कितना मुश्किल था सर ये चीजें 70 में जाना, हर चीज एक एक चीज संभल के रखना, ना मोबाइल है उसमें, डायलिंग वाले फोन हैं, वो सारी चीजें हैं। डायरेक्टर के लिए देखिए पहले तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो लोकेशन कुणाल का ही ढूंढा हुआ था और उस बारे में मैं कहूँगा कि हमारे लिए अच्छा भी और बुरा भी है ना, कि अभी भी ना 70-80 के दशक के गाँव हमारे यहाँ, बाकी इंडिया में हर जगह डेवलप हो गए हैं और हमारे फिल्म के लिए तो बहुत अच्छा है कि हमको 70 के दशक का सब चीज़ मिला। लेकिन गवर्नमेंट से मैं कहना चाहूँगा कि डेवलपमेंट हर जगह हो रहा है, वहाँ भी हो, क्योंकि हमारे सिनेमा के माध्यम से ये मैसेज हो। लेकिन वो गांव मिला जहाँ पे काफ़ी तकलीफें नहीं आई, जैसे आप लोग भी देखे ना, वो पुराने घर, वही चीज़ें है ना, वही खेती, वो ऐसा नहीं है कि लोग बना के रखे हैं, हर जगह डेवलप हो रहा है, तो वहाँ भी गवर्नमेंट को करना चाहिए। संतोष जी फिल्म में हीरो तो फिक्स हो गया, पांचों में कुणाल जी हीरोइन कौन रहेंगे? नहीं पांच नहीं, एक मराठी फिल्म है उसमें करेंगे। अच्छा तो उसमें चार में हीरोइन कौन होंगे बताएं? अरे वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे। हाँ उसमें क्या होता है, बाकी संजय जी प्रोड्यूसर साहब का भी हिस्सा होता है ना, आपकी मुस्कान किसकी भैया की मेरी मैं मुस्कुरा क्या कहना चाहेंगे संतोष जी? संतोष मिश्रा जी फेवरेट हीरो? देखिए अच्छा क्या होता है, क्या कहते हैं अमरपाली दुबे होंगे इस बार? हाँ पक्का एकदम है ना। और क्या होता है हीरो की पसंद की हीरोइन को काम करने में ज्यादा सहूलियत हो जाता है। कौन से आपकी पसंद है संतोष जी ने बोला आपसे अगर पसंद पूछा जाए? देखिए मैंने ज्यादातर फिल्में काजल जी के साथ में किया है, तो अगर ऐसा सवाल करेंगे तो फिर काजल जी के साथ मेरा कम्फर्ट जोन है। लेकिन काजल के बारे में आज एक हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, नहीं तो उसकी पब्लिसिटी हो जाएगी, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा बयान दिया है। काजल दूसरी है। अच्छा काजल यादव। अच्छा राघवानी के साथ मेरी पहली फिल्म थी, उसके बाद मैंने आज तक कोई हमने काम नहीं किया। मजनू मोटर वाला हमारी पहली फिल्म थी, मैं और काजल राघवानी थे, उसके बाद फिर कभी हम काम नहीं कर पाए, शायद अभी करेंगे। अच्छा कुणाल जी काजल लगवानी से अपने काम किया है, आज एक लड़की ने खुलेआम आरोप लगाया किया बड़ा कि गुजराती हैं और गुजरात के लोग बिहारी के लोग भगाते हैं और इनको भोजपुरी में लोग बढ़ावा देते हैं, काफी पैर के सवाल उठाए हैं भगाने वाले पे भी बताइए, हम बिहारी आके तो इतना जमाए कैसे, कौन भगा रहा है हमको? वो लड़की बिहार से है। अरे हम भी बिहार से ही है, हमारे प्रोड्यूसर बिहार से, हम पब्लिसिटी के लिए हो सकता है, ये खुद लाइम लाइफ में आना चाहते हैं तो काम कर गए तो ज्यादा बेहतर है। आप कुणाल जी छपरा के रहने वाले, खेसारी जी भी छपरा के हैं और उनके ऊपर हमेशा आरोप प्रत्यारोप आजकल इंडस्ट्री में लग रहे हैं, इस पे आप कुछ खुद को बोलना चाहते हैं? अरे क्या हम बहुत करीब हैं, मुझे लगता है 5-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। शायद जब वो फिल्म में काम नहीं करते थे, गाने वाने करते थे, तो मेरे यहाँ आके फिल्में देखा करते होंगे और वो बहुत अच्छे तरीके से मेरी फैमिली को जानते हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक है, एक भाईचारा भी है और हम एक जगह से हैं तो मैटर तो करता ही है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। नमस्कार मेरा नाम धीरेंद्र कुमार झा है और मैं सभी भोजपुरिया दर्शक को प्रणाम करता हूँ। सर आप 4-5 फिल्मों का मुहूर्त है, क्या कहना चाहेंगे, आप कैसे जुड़े हैं इस फिल्म से? मैं एज ए प्रोड्यूसर जुड़ा हूँ इन फिल्मों से। आज हमारी फिल्म दिया और बाती हम का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ है और दूसरे जो हम फिल्म जो हमने अनाउंस किए हैं भोजपुरी में है सिवाय अपने बेगाने, बाबुल की दुआएँ और नागार्जुन, ये 4 भोजपुरी की होंगी, जिसमें जैसे आपको बताया गया है कि सिवाय अपने बेगाने, बाबुल की दुआएँ संतोष सर डायरेक्ट करेंगे और उसके बाद में नागार्जुन मैं डायरेक्ट करूंगा। और इसके साथ भी हमने और एक अनाउंसमेंट की है मराठी फिल्म की, जो जिसका नाम है एकलव्य, और उसमें मुख्य कलाकार होंगे महेश वनवे और जिसका डायरेक्शन और लेखन किया है श्री डॉक्टर सुधीर निकम जी ने। सर कमर्शियल अगर प्रोड्यूसर हैं और आपसे बिजनेस के बारे में बात है, अगर इसमें कितना कमर्शियल मूवी है, किस किस को लिया? ये सारे कमर्शियल मूवीज हैं। किस किस को लिया आपने? देखिए हम किसी नाम के पीछे नहीं भागते, हम अपना कॉन्सेप्ट अलग रखना चाहते हैं, हम नए से लेके पुराने हर कलाकार के साथ काम करना चाहते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में रहे, हम हर आदमी के साथ काम करना चाहते हैं, हम टैलेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं। सर एक नई चीज सामने आई है कि भोजपुरी और मराठी फिल्मों का कॉम्बिनेशन हो रहा है आजकल, हर प्रोड्यूसर भोजपुरी वाला मराठी, ऐसा क्या है? मैं तो देखिए बेसिकली बिहार से हूँ,
लेकिन मैं लगभग 10 फिल्म भोजपुरी बना चुका हूं और ये नेक्स्ट अगली 5 फिल्में यानी लगभग समझिए कि 15 फिल्में के लगभग मेरी होने वाली है। और इसके बाद में जैसे हम यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं, यहीं सब कुछ करते हैं, तो हमारा ये भी फ़र्ज बनता है कि हम यहाँ के लिए भी कुछ करें, यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ करें। ये नहीं है कि मतलब हम बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारा अपना, ऐसा नहीं। अगर भाईचारा सबसे रखना है तो देखिए उनके लिए भी कुछ करना होगा। जब हम इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं तो सबके साथ जुड़ना होगा। मैं किसी रीजनल या किसी चीज़ में मतलब लिमिटेड नहीं रहना चाहता हूँ, ऐसी मेरी सोच है। देखिए मेरी तो लगभग सारी फिल्में कुणाल जी के साथ ही हैं, तो मतलब उनके साथ मेरा कंफर्ट जोन मेंटेन है और मैं उनके साथ ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। आप लोग चांस नहीं मिलेगा, आइए बेशक। डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी को क्या कहना चाहेंगे? अब उनके बारे में तो मतलब कुछ बोलना मतलब क्या है, सूरज को दिया दिखाने जैसा है। दिया और बाती अभी उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। हम देखिए प्रयास कर रहे हैं कि ये अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक तक रिलीज हो जाएगी फिल्म। आप बिहार के रहने वाले इसलिए ज्यादा भोजपुरी फिल्म बनाते हैं कि कुछ स्पेशल सोचा? मैं देखिए ऐसा नहीं है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं मतलब पैदा बिहार में हुआ हूँ, लेकिन पला बड़ा सब कुछ मेरी मुंबई, पढ़ाई लिखाई सब मुंबई की ही है। और कुछ आगे क्या प्लानिंग चल रही है भोजपुरी सिनेमा को लेकर? देखिए भोजपुरी में हमने कोशिश एक प्रयास किया है कि मतलब अश्लीलता हटाया जाए, जिसके लिए भोजपुरी बदनाम है कि मतलब हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते, इसके साथ नहीं देख सकते, उनके साथ नहीं देख सकते, ये सारी चीज़ें जो है, ये चीज़ हम नकारात्मकता जो है हमारी इंडस्ट्री से ये हटाना चाहते हैं। दर्शकों को बस हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे हम प्रयास कर रहे हैं तो जब तक वो हमें साथ नहीं देंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने अपना प्रयास कर दिया है, अब वो अपना प्यार और आशीर्वाद देके हमें आगे बढ़ाएं तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं और हम आगे ऐसे काम करते रहेंगे। एक तो मराठी बाइट भी लेना, मराठी इनको भी लेना। आ जाइए। नमस्कार, मेरा नाम महेश कुमार वानवे है। जो मराठी मूवी आ रही है कौन सी मूवी है जिसमें आप हिस्सा बनने वाले हैं? जी सर, फिल्म का नाम है एकलव्य, मराठी में बोला। ओके, मूवी का नाम है एकलव्य। किस तरह किरदार है आपका अगर बात करें? सर एक हिंदी में बोलूं? चलें चलें, एज योर कंफर्ट। बात ऐसी है कि हर किसी इंसान के जीवन में एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके जीवन का द्रोणाचार्य है, या उसको दबा देता है, या उसका गलत फायदा उठा देता है, या जब वो उड़ने ही वाला है तभी उसके पर काट देता है। तो मुझे मतलब मेरे ख्याल से हर कोई, हर इंसान, हर ऑडियंस इस फिल्म से रिलेट कर पाएगी और अपनी ज़िंदगी का एकलव्य, सॉरी, अपनी ज़िंदगी का द्रोणाचार्य कौन है वो उसमें उनको दिखाई देगा या याद आएगा। नमस्कार, मी डॉक्टर सुधीर निकम, मराठी चित्रपट क्षेत्रामध्ये लेखक, दिग्दर्शक, अभिनेता म्हणून मी आतापर्यंत आलेलो आहे। माझ्या जवळपास आतापर्यंत एक 35 ते 40 चित्रपटाचं लिखाण झालेलं आहे माझं। आता लेटेस्ट तारारण नावाचं मोठा प्रोजेक्ट मी करतोय आणि या ठिकाणी झा साहेबांच्या सोबत माझं भाग्य आहे की छान भोजपुरी इंडस्ट्रीच्या मित्रपरिवारांशी मला या ठिकाणी एकत्र येता आलं आणि सरांनी आज आमची फिल्म अनाउन्स केली ज्याचं नाव आहे एकलव्य। ही इंटेलेक्चुअल फिल्म आहे, अतिशय कमी बजेटमध्ये खूप डिझाईन केलेली एक सुंदर गोष्ट आहे। जसं महेश सरांनी सांगितलं की प्रत्येकाच्या आयुष्यात एक द्रोणाचार्य असतो, ही संकल्पना यासाठी मांडलेली आम्ही की ज्या ज्यावेळी एक क्रिएटिव्ह माणूस चांगलं काही करण्याचा प्रयत्न करतो त्या त्यावेळी त्याला सर म्हटले तसं दाबतात, मग आपल्याला आपल्या आयुष्यातला द्रोणाचार्य शोधता आला पाहिजे। तुम्ही जर एकलव्य झाला, तुम्ही जर कर्ण झाला, तुम्ही जर अश्वत्थामा झाला, तर तुमच्या आयुष्यात म्हणजे अश्वत्थामाला वडील द्रोणाचार्य होते परंतु त्याला पुढं हे करता आलं नाही, कर्ण क्रिएटिव्ह होता परंतु त्यांना सुतपुत्र म्हणून हिंडलं गेलं आणि एकलव्य तर सर्व गुण संपन्न होता पण त्याला काय म्हणता येईल त्याला ते शिक्षण दिलं गेलं नाही। मग माझ्या गोष्टीमध्ये मी तेच ठेवलं आहे की एकलव्याला गुरुवर्य द्रोणाचार्यांनी आशीर्वाद दिला होता की तू सर्वश्रेष्ठ होणार आहेस, पण अंगठा त्याचा राजगुरु द्रोणाचार्य या पदाने घेतला, म्हणजे पद आणि लालसा ही तुम्हाला तुमचे तत्त्व तोडायला लावत असते। ही इंटेलेक्च्युअल एक फिल्म आहे, थिएट्रिकल फिल्म आहे, जवळपास 35 वर्ष आम्ही थिएटर केलेलं आहे आणि थिएटर करून फिल्म इंडस्ट्रीत आलेलो आहे,
तसंच एकदा 10 वर्षापूर्वी मी थिएटर करत असताना एक नॅशनल लेवलच्या प्लेमध्ये मी महेशला पाहिलं होतं आणि मी त्यावेळेस म्हणलो होतो की आपण कुठली तरी एक छान फिल्म करूया. आज तो योग आला आहे, त्यामुळं सरांच्या आणि महेशच्या दोघांचंही मी मनापासून आभार व्यक्त करतो की मला आपल्या या कंपनीमध्ये माझं स्किल जे काही आहे ते दाखवण्याचं. मराठी भोजपुरी का जॉईंट व्हेंचर, हां उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं असं नाही, क्योंकि आप जितनी भोजपुरी है महाराष्ट्र की तरफ रुख हो गया है, हर प्रोड्यूसर है एक लोग तो भोजपुरी मराठी फिल्म में बना रहे हैं, तो क्या कहना, कितना अच्छा उस चीज के लिए? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा. पहले पहले 10-5 साल पहले क्या था कि भोजपुरी टीम भोजपुरी फिल्म बनाती थी, मराठी टीम मराठी फिल्म बनाती थी. अभी क्या हुआ है, मराठी फिल्म पूर्ण भारतातले निर्माते बनवायला लागले आहेत, कारण मराठीकडे ऑडियन्स, विषय, मराठीची मांडणी, कल्चरला धरून आहे. अजूनही मराठी चित्रपटामध्ये तुम्ही खूप व्यभिचार दिसणार नाही. समय के साथ चालणं आणि टेक्निकला सोबत घेऊन चालणं, कारण हे कदाचित दादासाहेब फाळक्यांच्या आशीर्वादामुळे झालं असेल, फिल्म इंडस्ट्री मुंबईत नाही म्हणून झालं असेल, पण इंटेलेक्च्युअल स्टडी ही मराठीमध्ये बऱ्यापैकी वळू तुम्ही खूप मोठे मोठे सिनेमे पाहू शकता जे नॅशनल लेवलपर्यंत गेले आहेत. भोजपुरीमध्ये इंडस्ट्री सुरुवातीला जे होतं की थोडंसं डबल मिनिंग आहे बुवा, ॲटम सॉन्ग पाहिजेत, 8-10 गाणे पाहिजेत, हे असं पाहिजे तसं पाहिजे. आता नाही, आता काय झालं आहे की भोजपुरीमध्ये सुद्धा इंटेलेक्च्युअल वर्किंग व्हायला लागलं आहे, की जे प्रॉपर फिल्मचं वर्किंग म्हणतो. आणि प्रत्येक निर्माता काय करायला लागला की नाही, भोजपुरी मान्य आहे पण आपण मराठीसुद्धा केलं पाहिजे, कारण मराठीकडे ऑडियन्स खूप मोठा आला आहे. अदर लँग्वेजचे ऑडियन्ससुद्धा मराठी सिनेमे पाहत आहेत आणि मग प्रत्येक निर्मात्याला वाटतं की आपण मराठी सिनेमा काढला पाहिजे. तर मी सगळ्याच निर्मात्यांचं, प्रत्येक भोजपुरी प्रोडक्शन हाऊसमध्ये मला वाटतं जवळपास मराठी चित्रपट एकतरी ते काढतायत, तर मी सगळ्यांचेच एक मनापासून आभार मानतो की मराठी सिनेमाही काढा, भोजपुरी सिनेमाही काढा. आणि झा सरांचं तर मला मनापासून कौतुक करायचं आहे की मी पहिला निर्माता असा बघितला आहे की जो प्लॉटच्या मागे लागतो, गोष्टीच्या मागे लागतो, की स्टोरी हटके आहे क्या, हटके अगर स्टोरी आहे तो बना देंगे. आता मी त्यांचे दियार वातीचं बघितलं की परिवार जो आपल्यापासून निघून चालला आहे. आज मुंबईमध्ये बघितलं तर आपण गावाकडनं माणूस येतो, तो बिचारा इथं झोपडा घेतो, तो बिचारा कष्ट करतो, इथे राहतो, त्याचं कुटुंब तिकडे असतं, मिसिंग पॉईंट फॅमिलीचा जो असतो. आणि मला याच्यात त्यांचे सगळे विषय कुटुंबाला एकत्रीकरणासाठीचे आहेत. पण कुठेतरी निर्माता म्हणून आपल्याला ही गरज आहे की आपण समाजाचं देणं आहोत आणि आपल्याला जे मिळालं नाही ते आपण समाजाला दिलं पाहिजे, ही उदात्त भावना यांची आहे. म्हणून मी खरंच सरांच्या सोबत काम करायला मला खरंच आवडेल. आमच्या सिनेमामध्ये महेश सर आहेत, त्यानंतर सुरेश विश्वकर्मा, एक सैराट नावाचा आमचा खूप मराठीत गाजलेला सिनेमा आहे, त्याच्यामधल्या आर्चीचे जे वडील आहेत, मेन खलनायक आर्ची के पिताजी उसमें जो थे पाटील दातेसाहेब, ते आपले फिल्ममध्ये काम करतायत. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाचं गोल्ड मेडलिस्ट आहेत प्राध्यापक रमाकांत भालेराव, ते याच्यामध्ये काम करतायत. त्यानंतर एक झीचा चांगला रेकॉर्डेड चांगला मुलगा आहे ॲडव्होकेट महेंद्र खिल्लारे, चांगलं नाव इंडस्ट्रीत त्याचं, तो सुद्धा याच्यामध्ये काम करतो आहे. आणि आम्ही आतापर्यंत इंडस्ट्रीमध्ये जेवढं काम केलं आहे तर आम्ही आमचं रिलेशन पूर्ण वापरून झा सरांच्या कंपनीसोबत आम्ही आहोत आणि ही फिल्म आम्ही खूप चांगल्या प्रकारे खूप चांगले लोक घेऊन करू, क्रिएटिव्ह लोक घेऊन करू. विषय तर तुम्हाला मी लाईनअप सांगितला आहे, पण फिल्म इंटेलेक्च्युअल लेवलला आहे एवढंच मी सांगेल. आणि मला अपेक्षा आहे की ही फिल्म खरंच प्रोडक्शन हाऊसचंही नाव वाढवेल आणि आम्हालाही नाव मिळेल याची आम्हाला खात्री वाटते. आज सरांनी एक मराठी फिल्म के सॉरी हिंदी भोजपुरी फिल्म के मुहूर्त पे पहुंची, हाँ इस बात को लेकर भी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मतलब एक भोजपुरी का और जो टाई अप हुआ है, हाँ उसके बारे में कहना चाहिए. नाही आता हे बघा सर, त्या पार्टवर मला म्हणजे कलावंत म्हणून बोलण्याचं माझं हे नाही आहे, दॅट इज अ पॉलिटिकल इश्यू काही असेल तर ते मला ताई आल्यात, त्यांनी पाठबळ दिलेलं आहे सगळ्यांनाच दिलेलं आहे, त्यांनी आम्हाला सुद्धा पाठबळ देतात. पण आहे चांगलं आहे ना, मला काय म्हणायचं की दोन इंडस्ट्रीचे जर ज्ञान एक एकत्रित झालं, एक छान युनिटी तर डेव्हलप होईल ना. मला काय म्हणायचं, तुम्ही आज बघा साऊथच्या ज्या फिल्म्स आहेत त्या साऊथच्या फिल्म, फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे आता भोजपुरीमध्ये एक विषय, दोन भावांची भांडणं आहेत फॉर एक्झाम्पल,
आणि ती गोष्ट आपण करतो की भाऊकीचे भांडणं आपण जेवत होतो कुछ जमीन बिगा जमीन के लिए झगडे हो रहे ये हो रहा है ऐसा ऐसा एक कॉमन स्टोरी तीच कॉमन स्टोरी ती बहुबली म्हणून करतात. काय असतं की व्यवसाय हा व्यवसायासारखा केला की त्याच्यातनं उत्पन्न नाही होत असतं. आता भोजपुरी आणि मराठी एकत्रित आलं. आता फॉर एक्झाम्पल आम्ही दोघं एकत्र आलो आज आम्ही वर्षाकाठी दोन मराठी चांगले सिनेमे काढणार आणि रिलेशन बिल्डअप होत चालला ना. सुधीर निकमला आज एक नवीन परिवार भेटला ना. महेश वनवेंना आज एक स्वतःचं प्रोडक्शन हाऊस भेटलं. तर हे खूप आधी व्हायला पाहिजे होतं. भोजपुरी मराठी कॉम्बिनेशन हे खूप आधी झालं असतं तर आज आपण अजून पुढे गेलो असतो. मला अपेक्षा आहे की आपण सगळेजण असंच करणार. थँक्यू सर. झालं ते आखरी सवाल स्टार्टअप क्या क्या इसमें लीड में महेश सर को तो फाइनल किया है हमने. सैराट के जो मेन खलनायक है सुरेश जी विश्वकर्मा जिनका भी बहुत मुंशी पैटर्न वगैरह बहुत बड़े बड़े सिनेमे हैं उनके नाम से तो सुरेश विश्वकर्मा है. रमाकांत भालेराव है. महेंद्र खिल्लारे है. और बहुत सारे एक नामचीन एक्ट्रेस है जिसका भी मैंने उनके साथ बात नहीं की कंफर्म नहीं किया इसलिए उनका नाम अनाउंस नहीं करूँगा. लेकिन मराठी के एक जाने माने आर्टिस्ट ये फिल्म में रहेगी. थैंक यू सर. थैंक यू. हमारे भोजपुरी समाज के मुन्ना दुबे की तरफ से नमस्कार. प्रणाम. जुड़े तो हम इससे पहले कम से कम 12-14 पिक्चर से इनके साथ जुड़े हैं. और धीरेन्द्र भैया है इसके प्रोड्यूसर. और अपने अब आपने इंटरव्यू लिया तो सबको पता है कि कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं. अपना डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट है. म्यूजिक की बात करें क्या कहना चाहेंगे इसमें क्या क्या बातें बताना चाहेंगे म्यूजिक से जुड़ी कौन कौन इसमें किस तरह का म्यूजिक रहेगा क्या रहेगा. देखिए अभी मैंने जस्ट किया तू दिया बाती हम. और इससे पहले हुआ आपका मैंने दिल तुझको दिया काबिल रक्त चरित्र. लेकिन तू दिया बाती हम बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट था जो 1980 के इर्द गिर्द घूम रही थी. तो हमने भी फ्लेवर म्यूज़िक गाने और उसके सारी चीज़ वैसा ही दिया जिसमें सिंगर सुरेश वाडेकर जी उदित नारायण ऐसे और ओल्ड स्टाइल के सारे म्यूज़िक भी बने हैं. तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा. और आज उसका फर्स्ट लुक भी लॉन्च हुआ है. कहाँ रहने वाले हैं और अभी तक कितने फिल्म किया है? मैं रहने वाला हूँ बिहार बक्सर नियाजीपुर गाँव का हूँ. और अभी तक हमने करीब 500 अबव मूवी कर चुके हैं. इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ के फिल्म बनाने का मूड कैसे हुआ? जुनून होता है. जुनून होता है. क्या दोनों में अंतर क्या उसमें इंजीनियरिंग में और म्यूजिक बनाने का? देखिए वो हम एक जगह बैठते तो 10 लोग हमको जानते हैं लेकिन आज इस लाइन में तो लाखों करोड़ लोग जानते हैं हमें. खेसारी के बाद सबसे ज्यादा गोल्ड पहनने वाले आते कितना है सर? कितने तोले हुआ ये मुन्ना जी? ये तो बस आप ही लोग आशीर्वाद है सर. गोल के पीछे क्या कहानी है? कहानी एक पहचान एक लुक होती है अपनी. नहीं पहचान है सर. आपको फ्रेंकली सवाल पूछ रहे हैं ये लुक होती है मतलब किसको देखकर आप पहनते हैं? देख कर के किसी को नहीं पहनते हैं. बस नहीं ऐसा नहीं है कि अरे बप्पी जी बहुत बप्पी दा अपने नहीं खेसारी सारी भाई कोई नहीं अपना अपना शौक बताया. नकली पहनता है सुना. ये भी नकली है समझिए. आधी किलो सोना कोई पहन नहीं सकता है. आधी किलो सोना नहीं आधा किलो है नहीं. भोजपुरी में किसके सेलिब्रिटी के साथ आपने काम किया है? अभी तक हमने पवन सिंह के साथ काम किया है. खेसारी लाल जी के साथ काम किया है. कुणाल सिंह जी के साथ काम किया है. कुणाल तिवारी के साथ काम किया है. अमरीश सिंह के साथ काम किया है. ऐसे भोजपुरी में कोई स्टार नहीं है जिनके साथ हमने काम नहीं किया. पवन खेसारी से कौन सी मूवी थी अभी तक कौन सा गाना हिट हुआ है? देखिए पवन जी का मैंने सबसे पहला फिल्म किया था बजरंग जिसमें गाना था कि 56 लाख के चोली तहर 90 के मुस्कान आरा पटना हिल जाई और हिली सिवान चलन छतिया उताने गोरी चलन छतिया उतान. फिर इसके बाद मैंने किया अरविंद चौबे के डायरेक्शन में फिल्म थी पवन राजा. उसमें था बोल ना रे झबरी गर्दा कामा कवरी. फिर हमने किया आपकी फिल्म थी अभय सिन्हा जी की थी माँ तुझे सलाम उसमें हमने किया. खेसारी लाल जी की फिल्म थी बलमा बिहार वाला मैंने किया. पहला मुन्ना को पहचान किस गाने से मिली मुंबई में? पहला कौन सा? पहला बजरंग पिक्चर था जो गाना कौन सा सन आया 2008 में था. और स्ट्रगल की लाइनें क्या हैं उसकी कैसे आपको गाना मिला?
एक्चुअली गाना एक कुछ फिल्में बन रही थी, डायरेक्टर उमर खान जी थे, शायद कर्जा माटी का फिल्म था, रवि किशन जी थे, बन रही थी। तो किसी ने कहा कि भाई आप गाने लिखते हो, तो जितेंद्र प्रताप सिंह उसके प्रोड्यूसर थे और पिंटू भैया थे, बोले कि आपके पास सुना दीजिए। तो गए, गाने सुनाए और सेलेक्ट हो गए गाने, और सेलेक्ट भी हुए, उसके साथ ब्लॉकबस्टर भी हुए। उस गाने से ही अब जिस सन को रिलीज हुई थी, इतना ब्लॉकबस्टर रहा कि वो 2 साल तक बजा, जम करके बजा। देखिए, मैं तो गीतकार संगीतकार हूँ, गाने तो सब अपने जुबान पे रहेंगे। फिर एक गाना कोई ऐसा, कौन सा पिक्चर का बताऊं? जो भी सुना रहे थे, वो भी सुना दीजिए। जो भी आप सुना रहे थे, आप कोई भी सुना दीजिए ना, चलेगा। कि हेयर में कॉलर लगाइले बनी, अब बेली के फुलवा सजाइले बनी, अरे बूटा गोटेदार वाला पहनले बानी घघरी, तब बोल ना रे झबरी, गर्द कहबुआ कहवा कबरी, बोल ना रे झबरी। थैंक यू सर। अब आप खेसारी कौन सी फिल्में का म्यूजिक क्यों नहीं देते हैं? देखिए, ऐसा बात नहीं कि नहीं देते, अभी कुछ फिल्में हमारे पास आ रही है, अभी उमर खान जी की फिल्म कर रहे हैं तो उसका म्यूजिक अभी हमसे ही बात हुई है। खेसारी जी की भी फिल्म अभी गदर 3 संजय सिंह राजपूत जी की तो कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम उनका करते नहीं हैं। हाँ, कभी ऐसा संजोग टाइमिंग नहीं बैठा कि म्यूजिक नहीं कर पाए, गाने ही सिर्फ लिखे। अभी कुछ विवाद चल रहा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे, खास करके खेसारी, चिंटू और कादर के ऊपर? देखिए, कहना तो हम कुछ नहीं चाहेंगे इसमें, बस यही कहेंगे कि जो चीज़ें चार दीवारी के अंदर, उसको चार दीवारी के अंदर ही रहने दीजिए, उसे बाहर मत आने दीजिए, तो बदनामी अपनी सब होती है। आप किसको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट बिहार बिहार वाले के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, दोनों एक ही घर के हैं। देखिए, दोनों एक ही घर के हैं, दोनों हमारे भाई हैं, और उनको क्या हम बताएं, खेसारी जी भी अपने हैं, चिंटू भाई भी अपने हैं। अभी मैंने चिंटू भाई का फिल्म पिया मिलन चौराहा मैंने किया कम्प्लीट, तो इसे हम कुछ कह नहीं सकते, सबका आपस आपसी मामला है। थैंक यू। कुछ कहने को? सबसे पहले आप सबको और सभी दर्शकों को मैं महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आज 5 फिल्मों का मुहूर्त है, जिसमें से 4 भोजपुरी फिल्में हैं और 1 मराठी फिल्म है, और मैं इनके जो प्रोड्यूसर हैं, निर्माता जो हैं धीरेंद्र कुमार जी, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, साथ में निर्देशक जो हैं संतोष मिश्रा जी, उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, साथ में पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और बहुत खुशी का मौका है, इतनी सारी फिल्में ये एक साथ अनाउंस कर रहे हैं, तो मेरी इनकी टीम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपने भी एक भोजपुरी फिल्म की है, कुछ नाम बताएंगे? जी, अभी मैंने फिल्म कंप्लीट की है, पहली भोजपुरी फिल्म है मेरी उसका नाम है 3 बहू रानियां, जिसमें मैं और मेरे साथ अमरीश जी और अयाज खान, हम तीनों हीरो हैं, और बहुत ही अच्छी फिल्म है, ये पारिवारिक फिल्म है, जैसे कि आजकल माहौल जो बीच में भोजपुरी में काफ़ी चेंज हो गया था, लेकिन अभी वापस पारिवारिक फिल्मों का दौर आ रहा है, और ये फिल्म जो हमने अभी शूट की है बनारस में की है, और ये फिल्म जो है जैसे आपने हिंदी में देखी होगी मोहब्बतें, जिसमें 3 हीरो थे, और उसके अलावा राजश्री की काफ़ी फिल्में जो हिंदी में आई हैं, उस तरीके की फिल्म बनी है, और काफ़ी खूबसूरत गाने हैं इसके अंदर, और तनु प्रियंका सिंह जो सिंगर हैं उन्होंने इसमें गाने गाए हैं, बहुत ही अच्छी फिल्म बन रही है, और अभी हो सकता है होली के आसपास रिलीज़ हो, तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद इस फिल्म को ज़रूर दें, क्योंकि मेरी पहली भोजपुरी फिल्म है, उससे पहले मैंने काफ़ी सारी हिंदी की हैं और हिंदी में सीरियल्स किए हैं काफ़ी सारे, लेकिन ये पहली भोजपुरी होगी, तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मुझे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, स्नेह सब दें। पूरा नाम सर आपका? मेरा नाम है अरमान ताहिल, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अरमान पूरे करें। थैंक यू। नहीं, मैं सबसे बड़ा हिस्सा हूँ कि आज शिवरात्रि है और हर हर महादेव का दिन है, और उस महादेव के दिन में आज 4 फिल्म का मुहूर्त हो रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि मेरी भोजपुरी फिल्मों का मुहूर्त हो रहा है, तो मैं उस मुहूर्त और उस परिवार के साथ शुभकामना देने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और फिर से मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ उस पूरी टीम को, लाख लाख बधाई देता हूँ कि ऐसे ही सिनेमा बनाए और दर्शकों तक अच्छे अच्छे सिनेमा पहुँचाए। क्या क्या रनिंग प्रोजेक्ट हैं आपके सर?
जी बिल्कुल, रनिंग जैसे कि 2021 यानी 2 जनवरी से मैंने एक फिल्म की, 3 बहू रानियाँ। इसके बाद फिर हमने की हम तो चले परदेश, फिर अभी जल्द ही एक ख़त्म करके आया हूँ संजय श्रीवास्तव जी की कितने दूर कितने पास, और 25 तारीख से मैं वीरेंद्र पासवान जी की यहीं पनवेल में जा रहा हूँ शूट करने। तो बैक टू बैक है सिनेमा, और बहुत ही खुशी है कि आज हमारी भोजपुरी और हमारे भोजपुरी के प्रोड्यूसर यहाँ पे इतने ही भरोसे के साथ हर एक नए कलाकार और हर अच्छी कॉन्सेप्ट के ऊपर बाजी लगा रहे और सिनेमा बना रहे। जी थैंक यू, नमस्कार, हर हर महादेव। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।